वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का साइंस चैप्टर नंबर 13 भोजन स्वास्थ्य व रोग, जिसका अभ्यास प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। प्रश्न नंबर का दे रखा है राइजोपस है, राइजोपस क्या है? पहला ऑप्शन है कवक है, दूसरा है जीवाणु, तीसरा ऑप्शन है विषाणु, या ऑप्शन नंबर द है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, यानी कि जो राइजोपस है वो क्या होता है? कवक होता है। इसमें से संचारी रोग है, तो संचारी रोग कौन सा है इसमें से? पहला ऑप्शन दे रखा है हैजा, दूसरा है कैंसर, तीसरा है जोड़ों में दर्द, जबकि चौथा है आपका डायबिटीज़। तो संचारी रोग के अंतर्गत कौन सा आता है? आपका हैजा आता है। प्रश्न नंबर अगला है, विषाणु जनित रोग कौन से हैं? विषाणु यानी कि जो वायरस के वजह से फैलते हैं उनको हम बोलते हैं विषाणु जनित रोग। पहला है चेचक, दूसरा है पेचिस, तीसरा है प्लेग, जबकि चौथा है डिप्थीरिया। प्लेग तो आपको चूहे के कारण फैलता है, पेचिस आपका अतिसार के वजह से होता है, जबकि अगर हम बात करते हैं चेचक, चेचक तो कहीं ना कहीं आपका विषाणु जनित यानी कि वायरस के कारण फैलता है, छुआछूत के कारण फैलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। अगला प्रश्न है, प्लेग रोग फैलता है, जो प्लेग रोग किसके कारण फैलता है? पहला ऑप्शन दे रखा है बेरी योला वायरस से, दूसरा है विब्रियो कोलेरी जीवाणु से, तीसरा है बेसिली जीवाणु से, जबकि चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम है प्लेग रोग आपका चूहों के कारण फैलता है, तो यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, इसमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। प्रश्न नंबर का है, डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर का है, प्लेग संक्रमण संक्रामक रोग नहीं है, तो प्लेग कैसा है? एक संक्रामक रोग है, यानी कि इसके सामने लिखा है नहीं है, तो इसके सामने हम गलत लगा देंगे। पाश्चरीकरण एक परिरक्षण विधि है, तो ये बात सही है। असंचारी रोग वायु द्वारा फैलते हैं, ये बात गलत है। दांत कवक के कारण होता है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी इसके सामने सही का निशान लगा देंगे। प्रश्न नंबर 3 दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। प्रश्न नंबर का है, डायरिया को और किस नाम से जानते हैं? तो डायरिया को हम अतिसार के नाम से भी जानते हैं, तो खाली स्थान पे क्या भर देंगे? अतिसार। म्यूकर एक क्या है? म्यूकर एक आपका कवक है। फिनाइल डीडीटी क्लोरीन ये सब क्या है? एक कीटनाशक पदार्थ है, तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे? कीटनाशक। विब्रियो कलेरी एक क्या है? जीवाणु है आपका। कैंसर क्या है? असंचारी रोग है। प्रश्न नंबर 4 है, सही मिलान कीजिए। प्लेग प्लेग का मिलान हो जाएगा आपका पासियोरेला पेस्टिस। हैजा का आपका मिलान हो जाएगा विब्रियो कालेरी। पोलियो का मिलान कर देंगे, पोलियो वायरस की वजह से। चेचक किसकी वजह से होता है? बेरियोला वायरस की वजह से आपका चेचक होता है। और पेचिस किसके वजह से होता है? पेचिस आपका एंट अमीबा के कारण होता है। ये सब एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। परिरक्षण क्या है? उत्तर में लिखेंगे, भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक ताज़ा और सुरक्षित रखने की प्रचलित विधियाँ परिरक्षण कहलाती हैं। यानी जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं उसको लंबे समय तक ताज़ा और सुरक्षित रखने की प्रक्रिया जो होती है, प्रचलित विधियाँ जो होती है उसको हम बोलते हैं परिरक्षण। परिरक्षण द्वारा भोज्य पदार्थों को वातावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से बचाया जा सकता है। प्रश्न नंबर खा, भोजन को सड़ने एवं खराब करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, भोजन को सड़ाने एवं खराब करने वाले कारकों में जीवाणु, ईस्ट, फफूंद आदि आदि सूक्ष्म जीव, कीट, पतंग तथा रोडंट प्रमुख हैं। कवक या फफूंद नम
स्थलों पर रखी रोटी, डबल रोटी, अचार, फल, सब्जी, चमड़ा आदि पर सफ़ेद बाल बालों जैसी रचना बना लेते हैं। कुछ कवक जैसे राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलस आदि खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं, इनके द्वारा दूषित किए गए भोजन भोज्य पदार्थ को खाने से निमोनिया, हैजा, पेचिस, पेट दर्द, उल्टी आदि बीमारियां हो जाती हैं। खमीर से खाने में खट्टापन आ जाता है। लंबे समय तक बंद बर्तन में रखे विभिन्न अनाज जैसे गेहूं, चना, मटर आदि में घुन लग जाता है। उसी प्रकार अनाजों को चूहे और सब्जियों को कीट पतंग नष्ट कर देते हैं। तो सबसे जो आप कह सकते हैं जो यहाँ पे बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, सबसे पहले पृथ्वी पर आया है और अभी तक वो है। ये सब हमारे कहीं ना कहीं भोजन को सड़ाने में, सब खराब करने में अपना योगदान देते हैं। तो ये सबसे हमें बचा कर रखना होता है अपने भोजन को, और सुरक्षित रखना होता है, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। प्रश्न नंबर गा है, किन्हीं दो जीवाणु जनित रोगों के लक्षण, कारक, कारण, उपचार, बचाव के उपाय लिखे हैं। तो ये चैप्टर आपके बहुत हर एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। कहीं ना कहीं आप हर एग्ज़ाम में इस प्रकार इस चैप्टर से एक प्रश्न जरूर देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है दो जीवाणु जनित रोगों के लक्षण और कारण बताने हैं और उसका उपचार भी बताना है। तो दो जीवाणु जनित रोग कौन कौन से, पहला है मलेरिया और दूसरा है डेंगू। ये किसके कारण क्या होता है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है। मलेरिया का लक्षण क्या होता है, इसमें क्या होता है, तीव्र ज्वर आपका आता है, सिर दर्द होने लगता है, बदन दर्द होने लगता है और कभी लगने लगता है। कारण क्या होता है, प्लाज्मोडियम नामक प्लाज्मोडियम मादा मच्छर जिसको एनाफिलिस का काटना। उपचार क्या है, चिकित्सक के परामर्श अनुसार एंटीबायोटिक दवाई लेना। बचाव क्या हो सकते हैं, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए जहाँ पे आपके मच्छर ना पल सके, और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कहीं पर भी कूड़े करकट नहीं करना चाहिए। डेंगू, डेंगू वायरस वाहक एंटीजन इजिप्टी मच्छर का काटना। लक्षण क्या है, ठंड लगने के बाद तेज बुखार, 5 से 7 दिन तक सिर, मांसपेशी एवं जोड़ों में दर्द, चेहरे, गर्दन और छाती पर गुलाबी रंग के चकत्ते। उपचार क्या है कि खून की जांच एवं चिकित्सक के परामर्श अनुसार और दवाओं का सेवन। बचाव क्या है, ऐसे कपड़े पहने जिससे पूरा का पूरा शरीर ढका हो। मच्छरदानी का प्रयोग करें, बर्तनों एवं कूलरों में पानी इकट्ठा ना होने दें क्योंकि ये साफ पानी में ही पनपते हैं। संचारी तथा असंचारी रोग से आप क्या समझते हैं, उत्तर में लिखेंगे वह रोग जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है तथा एक से दूसरे मनुष्य तक छुआछूत के कारण फैलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, संचारी रोग कहते हैं। जैसे कि आपका क्या है, हैजा है, चेचक है और टीबी है। अगर हम बात करते हैं कुछ रोग शरीर में किसी कमी या खराबी होने के कारण हो जाते हैं, ना कि छुआछूत से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं, असंचारी रोग कहलाते हैं। जैसे उच्च ताप, कैंसर, डायबिटीज़, एलर्जी, ये सब आपके असंचारी रोग के अंतर्गत आएंगे। प्रश्न नंबर अगला है, निसंक्रमण क्या है, तो उत्तर में लिखेंगे संक्रमण रोगों के रोगाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया को निसंक्रमण कहते हैं। परिरक्षण विधि के बारे में लिखिए, परिरक्षण विधि क्या होता है भैया, आइए जानते हैं। उत्तर में लिखेंगे परिरक्षण की कई विधियाँ हैं जिनसे विविध प्रकार के भोज्य पदार्थ परिरक्षित किए जाते हैं, जैसे सुखाना, उबालना तथा ठंडा करना। धूप में भोज्य पदार्थों को सुखाना एक पुरानी तथा बहु प्रचलित विधियाँ हैं। इस विधि में सूर्य किरणों से प्राप्त ऊष्मा में भोज्य पदार्थों को सुखाने से इनमें उपस्थित जल की मात्रा वाष्पीकृत हो जाती है और सूक्ष्म जीवों के वृद्धि के अवसर कम हो जाते हैं। अगला है
उबालना, उबालने की प्रक्रिया में अधिक तापमान के कारण कुछ हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि दूध को उबाला जाता है, क्योंकि उनको मालूम है अगर उसको उबालेंगे नहीं तो उसमें लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया आ जाएगी और कहीं ना कहीं दूध को फाड़ देगी और दही के रूप में परिवर्तित कर देगी। ठंडा करना, इससे विभिन्न तरीके हैं, इसके जो हैं विभिन्न तरीके हैं जिसके द्वारा भोजन का परिरक्षण आधुनिक विकसित उपकरणों द्वारा किया जाता है, जैसे कि हिमीभूत करना, यानी कि जिसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। इसके अंतर्गत भोज पदार्थों को जीवाणुओं से बचाने के लिए 18 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे नीचे तापमान पर रखा जाता है। प्रशीतन में भोजन को ठंडे स्थान पर रखकर गीले कपड़ों से ढक दिया जाता है था, लेकिन आजकल घरों में रेफ्रिजरेटर के माध्यम से भोजन को परिरक्षित किया जाता है। इसके अलावा हिमीकरण द्वारा वस्तुएं जैसे कंडस्टर्ड पाउडर, सूप, कॉफ़ी आदि सुरक्षित संरक्षित की जाती हैं। तो आपने देखा कि इस प्रकार से भोजन को हम संरक्षित कर सकते हैं। आप कई विधियाँ देखें, यहाँ पे हर विधि को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।